हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ की सारी जानकारी लेने वाले हैं। क्लास नाइन की नहीं, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। व्हाई क्लास नाइन्थ इज इम्पोर्टेंट आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि वो क्लास टेंथ का बेस होता है। उसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स है जो कि आपको याद होने चाहिए, वैसे आपको पता नहीं है लेकिन आज के वीडियो में आपको सब पता चलने वाला है। ओके, इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमें कितना टोटल टाइम स्पेंड करना चाहिए हमारी क्लास नाइन की स्टोरीज में। उसके साथ साथ हम लोग कितना डिवाइड करें, हम कितना कितना डिवाइड करें, पार्ट हाफ कितने डिवाइड करें हमारे हर एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखने वाले कि हम कैसे बनाया अपना स्टडी टाइम टेबल फॉर क्लास नाइन। सो गाइज अब सारे यूट्यूब चैनल क्या कर, सारे यूट्यूब चैनल टाइम टेबल बना के देते उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं देते, क्योंकि आपका सबका अलग अलग रूटीन होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल बनाने नहीं वाली हूँ, आपके लिए नहीं बनाने वाली हूँ, आप खुद बनाने वाले हो आज अपना टाइम टेबल। बस मैं ऐसी कमाल की टिप्स देने वाली हूँ कि आप रियली बनाओगे अपना बेस्ट टाइम टेबल। ओके, और वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको जो भी प्रॉब्लम है टाइम टेबल बनाने में और किसी में भी, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रियली आपका रिप्लाई करूँगी। ओके गाइस, सो गाइस के साथ साथ बहुत कमाल की टिप्स होने वाली है। उसके साथ साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि क्लास नाइन के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप सबने, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले आंसर देने वाली हूँ। तो फॉर दैट वॉच फुल वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। सो गाइस विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हमारा नंबर वन पॉइंट है व्हाई क्लास नाइन इज इम्पोर्टेंट। सो गाइस डोंट वरी, मैं आपको बता दूँ क्लास नाइन्थ इम्पोर्टेंट है, जो कि सबको पता ही है क्योंकि वो क्लास टेंथ का बेस होता है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखो जो कि आपको याद रखना ही है, वरना आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ने के टाइम। ओके, सो गाइस जो हमारा मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रही थी वीडियो के स्टार्टिंग से ही, कि आप 11th में मैथ्स या साइंस ले लो, आप 11th में मैथ्स या साइंस ले रहे हो तो वो क्लास नाइन्थ में बेसिक पढ़ाते हैं, और वही बेसिक आपको 11th में नहीं पढ़ाने वाले। तो आप 11th में साइंस या मैथ्स ले रहे हो और आपने क्लास नाइन्थ अच्छे से नहीं पढ़ी, तो मैं आपको बता दूं आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ना ही साइंस में ना ही मैथ्स में। ओके, सो इसलिए आप क्लास नाइन्थ को अच्छे से सीरियसली पढ़ो। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिफर्ड बुक फॉर क्लास नाइन। सो गाइस आपको, मैं आपको कौन सी बुक ऐसी प्रिफर करूँ, आप जब भी क्लास नाइन्थ में आ जाते हो सब लोग बोलते हैं क्लास नाइन्थ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, अब तो सबकी रेफरेंस लेनी ही होगी। आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बुक है फिर भी आपको लेना ही है, तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, बस वो बुक ले लो। सो आप रियली रियली अच्छे से स्कोर कर पाओगे मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में। ओके, जो कि है मैथ्स की बुक है। ओके, आप मैथ्स की रेफरेंस बुक ले सकते हो, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस साल मैथ्स थोड़ा सा टिपिकल हो गया, और जिन्हें मैथ्स तो पहले से ही गंदा लगता था अभी भी गंदा लगता है, तो अब तो और ज़्यादा ही, क्योंकि अब थोड़ा सा हाई लेवल हो गया अपना मैथ्स का, ठीक है। सो इसलिए आप, मैं आपको प्रेफर करना चाहती हूँ क्लास नाइन की मैथ्स की रेफरेंस बुक। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम टेबल फॉर क्लास नाइन्थ, कि कितने घंटे टोटल, कितने घंटे हमें स्पेंड करने हैं हमारे स्टडी में। आपको टोटल 5 घंटे, आपके 24 घंटे में से अब बस 5 घंटे, बस 5 हाउस निकाल लो। आई होप आप टॉपर तो ज़रूर बन जाओगे, वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे। सो गाइस आपको पहले हम लोग देख ले 5 घंटे में आप कितने कितने घंटे देने। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स में आप 1.5 आवर्स, तो मतलब कि 1.5 घंटा दो आपके मैथ्स में। ओके, जिसमें आप सब कुछ पहले आप समझ लोगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ओके, कैसा फॉर्मूला ये सब, फिर बाद में आप उसी को ही प्रैक्टिस करोगे अलग अलग फॉर्म में, फिर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, और देन आपको जो भी होमवर्क दिया होगा मैम ने,
सके आपकी क्लास में, सो आप वो करोगे और जो भी वर्क दिया होगा आपके टीचर ने तो आप वो करोगे इस 1.5 आवर्स में। ओके अब नेक्स्ट चेक लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस में आपको सेम टाइम देना है 1.5 आवर्स, मतलब एक और आधे घंटे। ओके तो एक और आधे घंटे आपको देने हैं साइंस में भी, और सेम आवर्स देने के, इस बार साइंस थोड़ा हाई लेवल हो गया है और 3 पार्टीशन हो गए तो हमें देना ही होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम तीनों की तीनों सब्जेक्ट एक और आधे घंटे में कैसे करेंगे। तीनों कब सब्जेक्ट हमें एक ही दिन में नहीं करने हैं, हमें डिवाइड करना है। जैसे कि आज मंडे को हम लोग बायो लेते हैं और ट्यूसडे को हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ऐसे आपको करना है। ऐसे ही हमें इंग्लिश में भी, हिंदी में भी करना है और सोशल में भी करना है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं जो कि है सोशल। सोशल में हमें देने हैं एक घंटे वरना 1.5 घंटे। ओके अब वो आप पे डिपेंड करता है। ओके और स्पेशली क्यों जब, और इसे भी सेम करना है जैसे कि साइंस में करा है, डिवाइड करते जाना है। ओके स्पेशली आपको जैसे कि हमारी इस साल 4 बुक्स हैं। ओके पहला है हमारा ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक। ओके ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक ये तीनों आपको बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन हिस्ट्री की बात आती है तो आपको इसमें बहुत सारी डेट्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। सो जब ट्यूशन करके पढ़ रहे हो, ओके सो एक घंटे जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जिस दिन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तब आप एक घंटे पढ़ सकते हो, और जिस दिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 1.5 आवर्स कर सकते हो। ओके सो गाइस हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि है इंग्लिश और हिंदी। ये दोनों हमें एक साथ लेना है क्योंकि हर हम डिवाइड नहीं करेंगे इसे। ओके अब क्या करना है, जो इंग्लिश हिंदी को हमें एक घंटे ही देने हैं। ओके जैसे कि आज हमने इंग्लिश में बिहेव का एक चैप्टर कर लिया, कल हमने हिंदी का दूसरा चैप्टर कर लिया। ओके तो ऐसे ऐसे आपको करने, वो भी आपको हर दिन एक घंटे ही मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए। ओके सो गाइस हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सम क्वेश्चन अबाउट क्लास 9th। 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे गए थे क्लास 9th में। पहला क्वेश्चन कि हम फेल हो जाएंगे तो हम प्रमोट हो सकते हैं क्लास 10th में। सो गाइस इसका आंसर है नो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्लास 9th के मार्क्स क्लास 10th में ऐड होते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास 9th के बाद मार्क्स क्लास 10th में ऐड होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और आपको कुछ और भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका जरूर दूंगी। ओके सो गाइस दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।